इससे और मेरे से हाथ लाए कहा गया वो नेपाली कहा देवा था कहा भाग गया रैंचर जब मेरे से हाथ लाए कहा गया वो सलाम आज हम पूरे फिट हैं। कल थोड़ा पैरों में दर्द कर रहा था और सुनो पहलवान जी ले बाबा जो इससे और मेरे से हाथ लाए कहा गया वो नेपाली कहा देवा था वो कहा भाग गया रहे जब मेरे से कहा गया वो आज पूरे हे बाबा आज तुम्हें नहीं बोलना आज हम पूरी तैयारी में आए ठोक के जाएंगे उस नेपाली की यही लाश बिछा के जाएंगे कहा गया वो आज शैतान जिंदाबाद साहब अब ये लोग ताड़ी नहीं बजाएंगे ताड़ी मारो है कर जब वो आएगा तो ताड़ी मारेंगे ऊपर इतने बेईमान जनता है यहाँ की हमारे ऊपर एक भी ताड़ी नहीं मारते ताड़ी मारो नेपाल की जनता है नेपाल का पहलवान है आप 10 मिनट रुकिए अभी नेपाली पहलवान को बुलाता हूँ देवा थापा पहलवान जाइए खड़े पे आइए बैठिए आप 5 मिनट बैठिए भैया 10 मिनट में दो खा जाएगा आप बैठिए हमें पता है तुम्हारी जवानी चक्कर काट रही है आप अरे बिल्कुल ठीक है ठीक है ठीक है आइए भैया ठीक है सलाम शैतान मुर्दाबाद देखिए भैया आपका चाहता पहलवान पूरे वर्ल्ड में अपना नाम रोशन करने वाला नेपाल देश का नाम रोशन करने वाला देवा थापा पहलवान ऐसा पहलवान आपके देश में नहीं पैदा हुआ कोई माँ ऐसा बच्चा जन्मेगी नहीं जैसा देवा थापा है ये लिख के रख लो डायरी में हेलो सावे नेपाल बसले सवाले नमस्कार छा जय नेपाल अरु एक बात बोलना चाहता हूँ जगत सिंह पहलवान जी आपको जी बोल रहा हूँ मैं इज्जत दे रहा हूँ ठीक है जी आपको कल चोट लगा था आज ठीक है कि नहीं है चोट है आज भी देखो पहलवान जी मैं एक ही बात बोलूंगा आपसे लड़ना है तो लड़ जाओ नहीं तो किसी चनानी का कपड़ा और चूड़ियां पहन के अपना राजस्थान भाग जाओ नेपाल में आए तो सम्मान जरूरी है जल्ला सिंह पहलवान जी लड़ोगे नहीं लड़ोगे पब्लिक भी चाहते हैं इनके साथ कुछ भी दो फुट के तुम्हारा जैसा कद का बैंगन होता है हमारे हिंदुस्तान में सुन मेरी बात क्या बोल रहे लड़की के कपड़े पहन के कूद जाओ सुने बात जो करते हैं उड़ाई तो कबूतरों की सलाह नहीं लेते शेर जब निकलते हैं शिकार पर तो गीदड़ों की परवाह नहीं करते समझा
ये खड़ा मेरा चेला तेरे कल इससे हाथ बढ़ाया था, इसको मार के दिखा और तेरे पे कोई चेला तो वो एक ये चेला खड़ा मेरा है कोई तेरे मैदान में। हेलो जावेद आजा मेरे भाई, ये मेरा भाई जैसा भी और चेला भी, इसको ठोक पे दे दो। अब क्या कह रहा है तुझे पता ठोक गए? अरे बाबा क्या कह रहा ठोक गया, अभी कुछ भी नहीं पहले ठोक ठीक है। देखो जल्ला सिंह पहलवान ठोकने का मतलब कई तरह का होता है, लेकिन हम दूसरा हार जीत का ठोक कह रहे हैं, तो आप गलत गलत लेके चले गए। तो ये पहलवान जी तो लड़ो, फिर जनता चाहते हैं ना इसके साथ कुछ क्यों रची के लिए आज कुछ त्यौहार पानी जल्ला सिंह गंगा पारता होगा। लड़के देखे बेटा तुझे कहा मेरी सेना बहुत बढ़ती बड़ी है, पहले सेना मरेगी फिर कर्नल मरेगा, पहले ये क्या निकल गया मुंह से, पहले सेना लड़ेगी फिर कर्नल लड़ेगा, बात मार के दिखा। और आज सुन इसको, इसको एक बाल्टी दूध पिलाया मैंने खिलाया तुझे पक्का ठोकेगा कमिटमेंट। नेपाल का नमक खा के हराम नहीं करेंगे, नेपाल का नमक खाया तेरी धरती पर यही ठोकेंगे आज। बाबा बेईमानी ना कर दी एक पैसे के बीच में, क्यों नहीं बेटी को बेईमानी नहीं होनी चाहिए, एक तरफा काम नहीं होना चाहिए। देखिए संजय बाबा किसी का पक्ष नहीं करेगा, कोई हारे कोई जीते, कोई मरे कोई जिए, हमें कोई मरेगा जन्नत में जाए या मन्नत में जाए हमें कफन से मतलब। रेफरी की शकल तो देख ले, ये तो शकल से बेईमान नजर आ गया होगा। ये रेफरी हमारे पटेल जी सबसे ईमानदार रेफरी है। हेलो आप नेपाल में सकल मत देखो, नेपाल का दिल देखो कितना बड़ा है, ठीक है ना। रात को दूध भी आ रहे घी भी आ रहा है, क्या क्या नहीं खाया आपने, आज तैयारी हो गया, सेब खाया केला खाया हमारे प्रधान जी की देन से। केला हम नहीं खाते, हम केले के शौकीन नहीं है, हम सेब खाते हैं भाई। तो केला नहीं खाया तो लिया तो है ना दोस्तों, कोई बात नहीं देखेंगे एक वक्त बताएगा। छापा पालवानी तैयारी बना गया और झंडू बम लगा के आ मुखिया जी यार राम प्रसाद पटेल जी इस कुश्ती का हाथ मिलवाने के लिए अखाड़े पर आए, दोनों पहलवानों को आशीर्वाद दें। आइए पालिका के मेयर के प्रत्याशी राम प्रसाद पटेल, देखिए कुश्ती का हाथ हमारे माननीय श्रीमान राम प्रसाद पटेल जी इस कुश्ती का हाथ मिला रहे हैं, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया। हेलो हेलो जल्ला सिंह पहलवान गाना से क्या दिक्कत है, कोई मंत्र थोड़ी ना है मनोरंजन के लिए भाई, जब जब ये गाना चलता हमारी ऐसी तैसी हो जाती है भाई। हमारे हिंदुस्तान में कभी कितने दंगे होते हैं बाबा जी, कभी गाना नहीं चलता भाई, गाना नहीं चलेगा भाई। भैया देखिए जन्नत पहलवान ये इंडिया नहीं है, ये नेपाल है।
आधा कुश्ती में, आधा कुश्ती में गाना नहीं चलेगा, आधा कुश्ती में पूरा गाना चलेगा, ठीक बराबर, कोई टेंशन नहीं आप, चलो शुरू बात में मत चलो, बात में चलाना आधा भैया। 15 मिनट की कुश्ती है, 5 मिनट बिगर गाने की कुश्ती होगी और 10 मिनट गाने पे होगी। चलिए भाई, सूरज पहलवान राजस्थान गंगानगर पट्टा चला सिंह पहलवान, चलिए चलिए शाबाश। हेलो माइक को क्या हो गया? हेलो, आज पूरी तैयारी में आए जल्लाद के पक्षे, चलिए शाबाश, बहुत अच्छे। हेलो हेलो, रेफरी घूम रहे हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शाबाश। नेपाल बीच में बाहर छोड़ के बीच में करो, ए बाहर छोड़ के बीच में, रेफरी साहब छुड़वाइए, बीच में लाइए इनको, दर्शकों ने दफिया नहीं की है, रेफरी ने छुड़वाइए, फिर अपने अपना नियम है उन लोगों खेलने का, ये नियम नहीं है, फाउल है, और फाउल गेम है। तो कितना था पहलू ने, चलिए गोली पर का मार देते आप, चलना सिंह, ये अपने चेले को क्या सिखा जाके, क्या सिखा के लेके आया है, एक थप्पड़ मारे फोन कर रहा है, कल को हम मारेंगे ना, फिर तुम रोना मत। सिंह पहलवान केवल अपना ईमानदारी की कुश्ती लड़ता है। अरे भैया 2 मिनट हो गई है, 3 मिनट के बाद फिर गाना चलेगा, गाना शाबाश। अरे भैया आज छुड़वाइए, रेफरी साहब आज छुड़वाइए, आज छुड़वाइए, शाबाश शाबाश भैया शाबाश। नेपाल का पहलवान नीचे है, लाठी चले लगी थान के बताया, बाहर से दौड़ना बताओ, गलत काम ना करो, रेफरी साहब कहते हैं बाल 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 रेफरी छुड़वाइए, गलत काम ना करे कोई पहलवान, कोई भी पहलवान फाउल गेम ना करे, बाजू टूट जाएगा भाई, बाजू टूट जाएगा। चलिए बाजू निकलवाइए, टांग में से बाजू निकलवाइए, बाल पकड़ रहे थे, देखो यार तीन तीन रेल भरी है, कहाँ ध्यान है तुम्हारा, बाल छुड़वाइए, बाल बाल गलत काम ना करे कोई पहलवान, चलिए भाई ये माइक सही करो, क्या सामने करे, चलिए शाबाश पर, चलिए चलिए उनके गलत काम ना करें, ओ भैया गाना चला लो,
हमारा चेहरा दिख गया, क्या पुष्टि हो गई?